नमस्कारम, सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कम्युनिटी में जाके कमेंट करके आएं, ताकि मैं आपको सब्सक्राइब बैक कर सकती हूँ। और देखें, आप मेरे पीछे में दो शिप्स हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ था। Thank you, appreciate that very much. Good morning. देखिए, ये जेंटलमैन बैठा था, ये अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व हुआ था और अफगानिस्तान में भी गया था। अब हम लोग अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट हम लोग छोटा जो शिप है उसके अंदर पे जा रही हूँ। देखिए, राइट हैंड साइड पे दो फाइटर जेट्स और जमीन पे दो मिसाइल्स है और पूरा चारों तरफ से घेरा पे रखा हुआ है। आप अंदर पे जा नहीं सकते हैं, बाहर से जो देखना है देखे। इस तरह का म्यूज़ियम में मैं सेकंड टाइम आई हूँ और मैं जब भी इस तरह का म्यूज़ियम में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ देखिए कितना यंग सोल्स सब अपना कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करता है। ये रूम जो है इधर पे कैप्टन और डॉक्टर शेयर करता था, छोटा सा रूम है। और अब दिख रही है ये जो बड़ा सा शिप है, ये यूएसए का अभी भी नेवी में इतना बड़ा बहुत ही कम है और वन ऑफ द बिगेस्ट शिप है, लेकिन अभी ये बहुत पुराना हो गया बोल के अभी म्यूज़ियम के तरह रख दिया है। और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये इन्वॉल्व हुआ था, उसीलिए बड़ा बड़ा सिटीज़ में इस तरह का एक एक शिप रखा जाता है और बच्चे लोगों को इनक्रेज करते हैं कंट्री के लिए यू नो सैक्रिफाइस करें। इतना बड़ा शिप मैं कभी भी अपने आँखों से देखी नहीं हूँ और सामने से देखने से लग रहा है एक फैक्ट्री की तरह है, बड़ा सा फैक्ट्री। इतना सारा सामान यू नो पाइप वगैरह चारों तरफ से निकला हुआ है। और मैं जब गई थी अंदर में, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद फिफ्थ या सिक्स यू नो स्टेप्स लगा कर आप एकदम नीचे बॉटम पे जा सकते हैं। चले, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं वीडियो ली हूँ। और ये मशीन गन, उसके बाद मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ किचन में। छोटा सा किचन है, डोर के अंदर में नीचे होकर ही सर नीचे करके अंदर पे जा सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे देखिए सिंक, जहाँ पर बर्तन वगैरह धोया करते थे। और इसमें वॉल में ओरिजिनल, ये जब शिप सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ था उस समय का दो पिक्चर्स है। और गाइड ने बोल रहा था इधर पे रोज मेन्यू चेंज होती थी, तो वो मेन्यूज़ भी लिखने के लिए ये वॉल यूज़ किया करते थे। और ये सफ़ेद, अब थोड़ा सा एक मिनट, ये जो मशीन है इसमें मीट ग्राउंड किया करते थे ताकि यू नो बर्गर बना सकते। और सामने में तीन बड़ा बड़ा कंटेनर जिसमें पास्ता कुक किया करते थे और फ्लावर्स भी मिक्स करते थे ब्रेड बनाने के लिए। दोनों चीज़ के लिए ये बड़ा बड़ा कंटेनर्स यूज़ किया करते थे। और अभी भी जो शिप ओशन पे है उसमें भी यही सिस्टम है, क्योंकि जगह कमी के लिए यू नो इसी तरह का आइडिया करके बनाए जाते थे। और देखिए, अभी भी ये ओरिजिनली ये शिप में ये जितना सारा बर्तन था ओरिजिनली ये शिप में ही यूज़ किया करते थे। और अब देखिए दो ये पिक्चर, ये ओरिजिनली कुक्ड ये काम करता था इधर पे, और इधर पे देखिए ये दोनों मिलकर बर्गर बना रहा है। और ये इसमें लिखा है दे डिड देयर पार्ट। और अब देखिए पैंट्री में कितना सारा सामान रखा हुआ है। ये फ्रीज़र है, इसके अंदर में मीट और मेरे ख्याल से फिश नहीं मिट्टी शायद रखा करता था, मैं गाइड को पूछने भूल गई थी। और ये पैंट्री है, इसमें पूरा सामान
लेकर जब शिप जब फाइटिंग करने के लिए निकलता है, यही छोटा सा जगह जहाँ पर पूरा खाना ड्राई सामान इधर पे रखा जाता है। अभी तो थोड़ा सा हल्का करके जस्ट समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके रखा है, लेकिन जब असली फाइटिंग करने निकलते हैं तो इसी तरह इसी जगह पे ये लोग बहुत अच्छे से पूरा पैक करके खाना लेकर जाते हैं ताकि फूड का सप्लाई बना रहे। देखिए ये शिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ख़राब समय देखा है। अगर ये शिप भी बात कर सकता था, अपना ऑटोबायोग्राफी बोल सकता था, कितना अपना दुख कष्ट भी बोल सकता था। हाँ, ऑटोबायोग्राफी पे ये भी बोल सकता है कितना कष्ट देखा है, लेकिन विनिंग करके घर वापस भी आया है। देखिए इस तरह का शिप जब सर्विस पे रहता है, सिर्फ सर्विस पर्सन ही इसमें रहता है और अपने कंट्री के लिए काम करते रहता है, लेकिन अभी इस तरह का म्यूज़ियम बना कर रखा है, हम जैसे लोगों ने अभी जाकर देख सकते हैं किस तरह का सर्विस होता है और नेवी पे काम होती है। ये ओरिजिनल पिक्चर है, एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया गया है किस तरह से गन लॉन्च किया जाता है। और खूबसूरत सा ब्रिज आ गई है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और उसके साथ देखिए स्काई बिल्कुल क्लाउडी है, कहीं से भी सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है और हवा भी चल रही थी। ये जो पानी है ये लेक एरी और इसके बाद ही नायग्रा रिवर में नायग्रा रिवर हो जाती है और ये बहुत ही डीप है। अब दिखाई पड़ रहा है ये वाला नहीं, थोड़ा सा दूर में कनाडा का बॉर्डर, ये जो दूर का जो बॉर्डर दिख रही है ये कनाडा का मिट्टी है। तो इस जगह से ही कनाडा और अमेरिका बॉर्डर शेयर करती है। मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ लेकिन उतना एक्सप्लेन कर तो नहीं रही हूँ। और एक बात है, जब अपने आँखों से आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो वो बिल्कुल ही अलग बात है। अगर आपके सिटीज़ पे इस तरह का म्यूज़ियम है तो प्लीज़ आप जाए और बच्चे रहने से उन लोगों को भी लेकर जाए। और अब चले ये शिप का नीचे का पोर्शन पे जाने के लिए। देखिए कितना छोटा सा पतला सा स्टेयर्स है और बहुत ही स्टिप है, उसी लिए दोनों साइड का जो रेलिंग है ये पकड़कर आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे ज़्यादा कुछ था नहीं। और अब देखिए टीनेजर किस तरह से अपना ही मस्ती कर रहा है। कहाँ रेगुलर लोगों ने ऊपर नीचे करेगा, लेकिन ये कहाँ से क्लाइम करके नीचे आ रहा है। और अब हम लोग का समय हो गया है बिग शिप पे जाने के लिए। और थैंक यू सो मच, आप अभी तक मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं मेरे साथ। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कम्युनिटी में जाकर कमेंट करके आए ताकि मैं आप लोगों को सब्सक्राइब बैक कर सकती हूँ। सो बाय बाय, सब अच्छे रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।